हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है शेफरपाल। नवरात्रि के अवसर पर ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे आप भाई? ये जो रेसिपी बना रहा हूँ आप ही के लिए बना रहा हूँ, स्पेशल आलू और राजगिरे के पैनकेक्स बना रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी रेसिपीज आप कभी भी खा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, एक छोटा सा घोल बना लेते हैं, राजगीरे का आटा लेते हैं, एक बड़ा सा आलू ले लें बॉईल किया हुआ, मिर्चें डालें 3-4, सुबह का वक्त है एक्चुअली कम कर देते हैं, राइट, तो आप अपने हिसाब से 2-3 डालिएगा, अदरक बारीक कटा हुआ 1 छोटा चम्मच, 1 छोटा चम्मच जीरा और शेंदा नमक शमक करिएगा, ठीक है। तो ये करना जरूरी है, ये जितने की आवश्यकता उतना डालिएगा भाई साहब, ज्यादा नहीं डालना हमने। पानी डाल के घोल बना लेंगे गाढ़ा सा। उत्तपम जैसा घोल बनाना है, ये मुझे रिस्क ले लेता हूं, ज्यादा बेहतर है। ये लीजिए, परफेक्ट बैटर बन गया। तो पैनकेक बनाने के लिए बढ़िया नॉन स्टिक तवा ले लेते हैं और तेल गरम होने दीजिए थोड़ा सा, और जैसा मैंने बताया कि बड़े बड़े नहीं बनाने आपने, क्योंकि पलटने में दिक्कत आएगी, ये जो बैटर है इसमें ग्लूटेन नहीं होता है, तो इसलिए दिक्कत आएगी। और ऐसा भी हो सकता कि पहले के 1-2 खराब निकले, ठीक है, इसलिए छोटे छोटे मिनी पैनकेक्स इनको पकाते हैं, एकदम छोटे छोटे मिनी उत्तपम। इनको मैं ये ढक भी देता हूं तो ये भाप से पके, मतलब स्टीम से भी पके। वाह, ढक के पकाने से देखिए स्टीम से साइड से पकने लग जाते हैं, तो आपको ढक के पकाना जरूरी है। और इसको मैं अभी भी ढक के रखता हूं, तेल जो है थोड़ा सा घुमा लेते हैं तेल को। अब ये एक बार चेक कर लेते हैं कि पलट सकते हैं कि नहीं, ये बहुत जरूरी है, ठीक है जी। ये अब आप हिला सकते हैं, सॉफ्ट है इनको, ये लीजिए बढ़िया सॉफ्ट है, ये मजेदार, ये पलट लेते हैं, पकने दीजिए। एक्चुअली पूरा पकने दूंगा उसके बाद ही मैं पलटूंगा, क्योंकि टूटने के पूरे संभावना होते हैं, जैसे मैंने बताया ग्लूटेन नहीं है, इसलिए आराम से पकने दीजिए, ये थोड़ा आराम वाला मामला। तो चलिए पैनकेक हमारे तैयार, अब निकाल लेते हैं। ट्रिक ये है कि आपने थोड़ा समय देना है इनको पकने के लिए, तभी ये पकेंगे, और छोटे छोटे बनाइएगा। और एक चीज मैं पक्का समझता हूँ कि आपकी सुबह जो है वो किचन में जाएगी, क्योंकि ये समा देने वाली बात है और उपास का समा है, तो थोड़ा समा दीजिए परिवार के लिए। छोटे छोटे बना रहा हूँ जी, तो जी मैं तो लगा हूँ, पर मुझे भी जितना बैटर बनाया उसके पैनकेक तो बनाने ना, तो आपका भी समय ऐसे ही किचन में बीतेगा, बनाना पड़ता है, अच्छा खाना है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और जो लोग डाइनिंग टेबल में बैठे हैं उनसे निवेदन है कि भाई थोड़ी सी शांति रखें, बढ़िया खाना आ रहा आपके लिए।